गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा अज आपने प्लस वन और प्लस टू की उड़ान शीट्स करनी है। ये वीडियो ध्यान न सुनी, आप हर एक क्वेश्चन का डिटेल च एक्सप्लेनेशन करा, तो थोड़ा मैं एक्सट्रा चीज़ जरूर दसूँगा, उन्होंने अपनी कापी पर जरूर नोट कर लेना, ठीक है। तो होमवर्क भी देवे एंड च, वो होमवर्क भी तुम मैं मैसेज करके दसना की वह आंसर, ठीक है बेटा। चलो करिए शुरू। देखो पहला क्वेश्चन कहता, अपन पता ना दिल्ली के मैट्रो रेल चलती भी है, बहुत फेमस है, ठीक है, सस्ती है तो फेमस है। तो वो मैट्रो जी हैगी है दिल्ली के कदों स्टार्ट हुई सी, वो बेटा 2002 ईस्वी स्टार्ट हुई सी मैट्रो दिल्ली के। कहता मोंकी दा कोड, मोंकी MONKEY, मोंकी दा कोड एक्स, एक मिनट, मोंकी दा कोड है बेटा XDJMNL है, किमें कोड है बेटा। देखो पहला तो देखो, मेरे ख्याल नाल ऐसा कुछ होया लगता है, की होया होया। देखो बेटा इस क्वेश्चन दे विच, देखो जड़ा आ वाई तो एक घट एक्स, पहला एक्स आंदा है, ई तो पहला डी आंदा है, के तो पहला जी आंदा है, एन तो पहला एम आंदा है, ओ तो पहला एन आंदा है, एक एक अक्षर पहला पहुँचना। देखो यो है, हुण देखो ये आप करते हैं टाई, आपां नूं पुछिया टाइगर का कोड की है। देखो हुण इह तों एक एक अक्षर पहला पहुँच जाओ की है की नहीं, आपां एक एक अक्षर पहला पहुँच जाने क्या है। देखो आर तो पहला की आंदा हुंदा है एस, ई तो पहला की आंदा हुंदा है डी, पहला देखो आ दोनों ते क्लीयर हो गया, एस डी वाला सस्सा भाग इहदा आंसर होगा, क्लीयर है बेटा। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर सस्सा भाग। तीसरा तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, माइक्रोफोन लाउड माइक्रोस्कोप दे दा की होगा, माइक्रोफोन लाउड, ठीक है। तो क्लीयर हुंदा है कि माइक्रोफोन अपना किस चीज़ के काम आता, अपन लाउड उच्चा सुन दे, एवें माइक्रोफोन ना अपन उच्चा सुन दे, एवें माइक्रोस्कोप किस चीज़ से आता, छोटिया चीज़ों वड्डियां करके देखने के काम आता है, छोटिया चीज़ों वड्डियां करके देखते हैं नाल, क्लीयर है बेटा तीनों क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आप क्या है। लो अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस दे विच लिखना है, कि इहनू एक मीनिंगफुल सीक्वेंस लिखना है। देखो सब तो पहला की हुंदा है, पहलो सब तो पहला एक मैंबर हुंदा है, थर्ड नंबर दे मैंबर आ गया, मैंबर किहदा हुंदा, वह फैमिली का हुंदा, फैमिली तो बाद आ गई वह कम्यूनिटी दे विच पहुँचता है, ठीक है, अपने सोसाइटी पहुँचता है, सोसाई कम्यूनिटी पहुँचता, कम्यूनिटी मतलब वह अपनी जात दे विच पहुँचता, फिर वो लोकैलिटी पहुँचता, लोकैलिटी तो बाद वह कंट्री पहुँचता, मतलब कि 3 1 2 4 5 ये सीक्वेंस होगी, क्लीयर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो की है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, विच अमंग द फॉलिंग वाज फर्स्ट टू लैंड ऑन मून, सब तो पहला मून ते सब तो पहला कदम किने रख्या सी, मून ते सब तो पहला कदम रख्या सी, नील आर्मस्ट्रांग ने सब तो पहला मून ते कदम रख्या सीगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फोरम्स दी, जेड़ा इंटरनेट दे उत्ते हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स हुंदे ने, ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स दी, इंटरनेट दे हाइपरलिंक किते दस्तावेज दा भंडार किसनूं कहंदे ने, ਉਹ WWW ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, WWW ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੀਏ, ਸੱਤਵਾਂ, ਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿ 4 7 12 19 ਅਗਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ 28, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 4 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 7 ਅਤੇ 12 ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 12 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 7ਵੇਂ ਦਾ,
ठीक है। एवें अठवें का चंद्रमा की सत्ता से सब तो पहला किसने पैर पाया सी। देखो ये तो क्वेश्चन हमने किया तो आता होना चाहिए, यह होमवर्क है तुहाडे लिए भी। तो लास्ट वाला विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग दी लार्जेस्ट हैडिंग इन दी HTML। HTML ते केड़ा है जो टैग यूज़ किया जाता है जिन्ना लापा नू सब तो बड़ा टैग केड़ा यूज़ किया जाता है, क्या वो H6 है, H1 है, H4 है या H5 है। एदा आंसर भी तुसी मैनू मैसेज करना बेटा तिन्ना दा। आधा सौखा है, सत्तवां सौखा है, अठवां सौखा है, नौवां है थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड, बाकी तीनों सौखे ने। ठीक है बेटा, चलो अज लई इन्ना ही, बाकी कल करांगे। ओके, थैंक यू।